प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के चक्कर में आप देख रहे होंगे जो सरकारी कंपनियां हैं उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे प्रयागराज में BFNL की बुरी हालात। यहाँ के कर्मचारी खुद बयां करते हैं कि अब बहुत मुश्किल आ रही है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आगे दिखाते हैं आपको, चलिए। वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं PBR स्टडी। आपको ये देखकर अचंभा होगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं BSNL माई मैक्स। जी बिल्कुल, जियो के आ जाने के बाद BSNL का अस्तित्व लगभग सरकार का ये मकसद है कि ख़त्म हो जाए। और वही आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुल जितने भी बिल्डिंग और ऑफिस आप देख रहे होंगे सब कुछ एकदम खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिजिटल इंडिया का जो टेंडर BSNL को देना था वो आप देखते हैं कि जियो को दिया गया, यानी कि रिलायंस प्राइवेट कंपनियां, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को पैसा मिलता है। बाकी की और चाहिए तो कि BSNL को मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ना तो कोई अधिकारी आपको दिखेगा और ना कोई यहाँ पर अस्तित्व। मतलब कि एकदम से मकसद ये है सरकार का कि BSNL का लगभग मतलब सिस्टम एकदम से ख़त्म करने का। ना तो जियो की जगह पर जितना ज़्यादा वरीयता जियो को दिया जा रहा है उतना ज़्यादा BSNL को कुछ भी नहीं। ये जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग फैली हुई, बिल्कुल सुनसान, एकदम खाली, ये जगह आप देख रहे हैं प्रयागराज। जी बिल्कुल, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का ये BSNL का कार्यालय है, जो कि काफ़ी दूरी में और एक भारी बिल्डिंग में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर आजकल इसका अस्तित्व लगभग एकदम ख़त्म होते के ही दिख रहा है। और कबाड़ की तरह एकदम हर तरफ आपने जैसे पीछे देखा वैसे ही एकदम बना हुआ है। उसी तरह से आप उसका डीजल का भी देख सकते हैं, रेलवे का डीजल का टेंडर भी प्राइवेट कंपनियों को ही दिया जा रहा है। तो मतलब क्या है, यानी कि एकदम से अनदेखा कर देना, बिल्कुल से सरकारी कंपनियों को अनदेखा करके प्राइवेट कंपनियों को बढ़ाना सरकार का यही मकसद है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं ये सब खंडहर एकदम खाली खाली पड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी टूटा फूटा और बड़ा अजीब सा दिख रहा है, सुनसान और वीरान आप देख सकते हैं। गिरा पड़ा एकदम टूटा टाटा, यहाँ पर कोई ना तो सेवा ना मरम्मत कुछ भी नहीं। चलिए आपको हम और आगे दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एकदम 7-8 फ्लोर में बनी हुई है BSNL की बिल्डिंग, बिल्कुल सुनसान भूत बंगला जैसे नज़र आ रही है। इसे आप देख सकते हैं हर तरफ एकदम खाली खाली कुछ भी नहीं। कबाड़, बिल्कुल कबाड़, BSNL ऑफिस बिल्कुल कबाड़ हो चुका है, एकदम कबाड़ हो चुका है। हर तरफ जहां भी आप देखेंगे बिल्कुल खाली कुछ भी नहीं, जैसे लगता है एकदम भूत बंगला बन चुका है। क्यों, इसका रीजन क्या है, आखिर सरकार का मकसद क्या है? प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा, सरकारी कंपनियों को ख़त्म करना, यही उद्देश्य है, रह गया ना। प्राइवेट कंपनियां बढ़ेंगी तो पैसा मिलेगा, सरकारी कंपनियों से मिलना क्या है, सरकारी कंपनियों से कुछ मिलेगा नहीं ना। इसी वजह से आप देख रहे हैं ये हालत हो चुकी है आज BSNL की, और एकदम बुरे हालात आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं BSNL का कार्यालय है, ये BSNL की ऑफिस है प्रयागराज इलाहाबाद में। आप लोग अपने विचारों को कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है सरकारी कंपनियों को ख़त्म करने का सरकार का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। सरकारी कंपनियों के आगे प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना आखिर मतलब क्या है? डिजिटल इंडिया का जो टेंडर BSNL को मिलना था वो जियो को क्यों मिला? जियो ने डिजिटल इंडिया बनाया, क्या BSNL ऐसा नहीं कर सकता था?
आप लोग अपने विचारों को अवश्य बताएं, कमेंट करके बताएं आखिर वजह क्या है। एकदम सुनसान पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल सुनसान, और इतनी भारी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर आज बिल्कुल अनदेखा, सब कुछ अनदेखा, एकदम अनदेखा किया जा रहा। हम आपको पूरा तस्वीर दिखाएंगे। ये है BSNL का हालचाल जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल चारों तरफ सुनसान, कोई भी नहीं, कहीं एक दो कर्मचारी दिखेंगे तो दिखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। अंदर का भी हाल आपने देख लिया होगा, मैंने आपको दिखा दिया अंदर के भी क्या हालात हैं, और ये बाहर के आप हालात देख रहे हैं। ये सभी जो सोलर सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या आपको मालूम है ये चलते हैं? अब बस कुछ ही नाम के हैं, बाकी नहीं, सब खाली सुनसान। चलिए वापस चलते हैं। चाहे जिस तरफ आप जाएंगे, हर तरफ खाली 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 और अंधेरा, बस बाकी कुछ नहीं। ये बिगड़ चुके हालात क्या दर्शाते हैं? अपने विचारों को बताएं कमेंट करके, क्या ये अच्छा हो रहा है या फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है, सिवाय ताले के और कुछ नहीं। आपने देखा होगा शुरू में एक जगह पर एक अंकल जी बैठे हुए थे, और यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंद देश की एकता की कड़ी है और हिंद को ख़त्म करने की बिल्कुल कड़ी जुड़ रही। पूरे ऑफिस में दो चार कर्मचारी दिख रहे होंगे जो कि बहुत परेशान हैं, उनकी भी सैलरी नहीं आ रही, 4 महीने से बोल रहे हैं। ये है BSNL कार्यालय, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि देख रहे हैं रो रहा है बिल्कुल।